We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Genoa and Associates Limited, Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज बात करेंगे पाकिस्तान में बड़ा अपसेट जो हुआ कल सेनेट के इलेक्शन का। उसमें मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपने देखी और काफ़ी कमेंट्स लोगों के आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इमरान खान ने यह फैसला क्यों कर लिया कि वो फ़ौरन से पहले एतमाद का वोट लेंगे असेंबली से। आखिर हफीज़ शेख कौन है और क्या है उस शख्स के पीछे, कौन है उस शख्स के पीछे जिसकी वजह से इमरान खान को अपनी हुकूमत ख़तरे में नज़र आ रही है। और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि बजाय इसके कि मुझे आवाम का रुख मेरे ख़िलाफ़ आए, उससे पहले ही मैं कोई ऐसा कदम उठा लूँ ताकि अपने आप को बचाया जा सके या स्टेप डाउन कर लूँ। बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो तो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वक्त पर इमरान खान को अब तक ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि या तो उनको असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए थीं या उनको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो फ़ौरन तौर पर करा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बहरहाल फ़ौरन ये कह दिया कल के इस अपसेट के बाद कि वो, क्योंकि उन्होंने एक अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा था कि सेनेट के इलेक्शन में वफाकी दारुल हुकूमत में जो दो नशिस्तें हैं उन दोनों में से अगर किसी भी नशिस्त से उनको हार हुई तो वो स्टेप डाउन कर जाएंगे या असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो खैर उन्होंने वो इंतहाई कदम तो अभी तक नहीं उठाया, लेकिन ये बहरहाल ज़रूर ऐलान कर दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे असम्बली से, पार्लियामेंट से। अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ये कितना बड़ा अपसेट है और इतना बड़ा अपसेट क्यों है इमरान खान के लिए कि वो बहुत परेशान है। जैसे कि कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि जिन लोगों के वोट मुस्तरद हुए, 7 लोगों के वोट मुस्तरद हुए, उसमें जो अफरीदी हैं, शहरयार अफरीदी, उनका वोट मुस्तरद हुआ है क्योंकि उन्होंने उसको गलत तरीके से साइन कर दिया था स्टैम्प करने के बजाय। काफ़ी वो इस वक्त इमरान खान के गुस्से की लहर में है, अगरचे कि शहरयार अफरीदी ने इस बात की तस्दीक नहीं की या उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ख़बरें इसकी तस्दीक हो चुकी है कि ऐसा हुआ है क्योंकि एक वोट ज़ाया हुआ है। ख़बर ये भी है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो अब्दुल हफीज़ शेख को 20 वोटों से हराएंगे, लेकिन वो सिर्फ 4 वोटों से हराने में कामयाब हुए। और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान ने अपनी इंटेलिजेंस को डेफिनेटली अपने पीटीआई के मेम्बरान के पीछे लगाया था। कुछ इंटेलिजेंस कर रहे थे वो उनकी, ताकि अगर वो बिक रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उसको रोका जा सके। और शायद यही वजह थी कि इमरान खान की जो इंटेलिजेंस का जो उन्होंने जो पीछा करवाया था अपने मेम्बरान का, वो थोड़े से 20 वोटों की शिकस्त से बच गए, बल्कि सिर्फ 7 वोटों से उनको शिकस्त हुई। अब एक और टास्क दिया इमरान खान ने इंटेलिजेंस एजेंसी को कि अब उन लोगों का जिन लोगों के वोट मुस्तरद हुए, यानी कि पीटीआई के ख़ास पे जो अरकान हैं उसमें शहरयार अफरीदी का नाम तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और भी बहुत से लोग हैं पीटीआई के जो अरकान हैं जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं, उनसे पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर क्या वजह थी कि आपको बैलेट पेपर सही तरीके से भरना क्यों नहीं आया। और दूसरा, वो 5 वोट जो गए हैं पीटीआई यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ, वो लोग कौन हैं और किस तरह से जिस वक्त जो पीडीएम के रहनुमा हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो जीते हैं। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब्दुल हफीज़ शेख आखिर इतनी बड़ी पर्सनालिटी कौन है, उनके पीछे किसका हाथ है जिसकी वजह से इमरान खान को अपनी हुकूमत अब ख़तरे में लग रही है। तो आप लोगों को जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, आपने अब्दुल हफीज़ शेख को पहली मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत में एज अ किरदार नहीं देखा, बल्कि वो वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना के तौर पर जनरल मुशर्रफ के दौर से मौजूद हैं। तब भी वो मौजूद थे वज़ीर ख़जाना, और फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी हफीज़ शेख आपको नज़र आए। और अब जब इमरान खान की हुकूमत आई तो पहले असद उमर थे वज़ीर ख़जाना, और असद उमर को हटा के मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को लगाया गया। तो इसका मतलब है कि इनके पीछे को बहुत बड़ा हाथ है। कहा यह जा रहा है कि ये IMF के लिए काम करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमतों में रहते हैं लेकिन IMF के नुमाइंदे हैं। IMF का अपना एक एजेंडा है जो पाकिस्तान को लोन देता है, कर्ज़ देता है, लेकिन फिर पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं IMF ही बनाता है और वो ही बिगाड़ता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो। असद उमर का अपना पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है। ज़ाहिर जब उनको वज़ीर ख़जाना से हटाया गया तो खुशी से तो नहीं उन्होंने उस वजारत को छोड़ा, उसके पीछे बहुत से महरक़ात थे, बहुत सी बातें उनसे की गई होंगी। और फिर मशीर ख़जाना के तौर पर वो कलमदान जो था वो अब्दुल हफ़ीज़ शेख को दे दिया। अब अब्दुल हफ़ीज़ शेख पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान की सियासत में हैं, आखिर ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। और एक और चीज़ जो मैं आज जब इनके बारे में पढ़ी थी तो मुझे ये ख्याल आया कि पाकिस्तानी अवाम ने क्या कभी पूछा है, या वो लोग जो अपने लीडर्स की प्रस्तश करते हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ के मानने वाले हों, पीपल्स पार्टी के मानने वाले हों, नवाज शरीफ के मद्दा हों या इमरान खान के पुजारी हों, क्या कभी उन्होंने अपनी हुकूमतों से पूछा है कि आप तो हमारे लिए आते हैं लेकिन ये जो अब्दुल हफ़ीज़ शख्स जैसे नॉन इलेक्टेड पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये आपकी मजबूरी क्यों है। तो वो मजबूरी इसलिए है कि IMF इस अपसेट्स की वजह से बहुत अपसेट है, उन्हें वो बहुत इमरान खान की हुकूमत से बहुत खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि अब अब्दुल हफ़ीज़ शेख का वहाँ रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो खारे हुए खिलाड़ी हैं। कोशिश तो हुकूमत की ये थी कि वो अगर इलेक्शन जीत जाएंगे सेनेट का तो उनको चेयरमैन सेनेट भी बना दिया जाएगा और IMF मज़ीद मजबूत हो जाएगा। और असद उमर भी उनके ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है और अगर शेख अब्दुल हफ़ीज़ शेख टीवी पे आते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं, इकॉनमी को बताते हैं कि बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो हर रोज़ पिस रहा है। और जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनसे अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि महंगाई है। और एक लॉजिक ये दी जाती है कि जी अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसको आए हुए, आप उसको टाइम तो दें, तो ठीक है आप उनको टाइम दें। लेकिन उन लोगों के लिए गुजारिश ये है, उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई IMF की वजह से होती है। आप जिस तरह से उनसे कर्ज़ लेते हैं उनकी कुछ शराइत होती हैं, आपको वो शराइत माननी पड़ती हैं। अगर वो आपको कहेगा कि बिजली के बिल बढ़ा दो, आपको बढ़ाने पड़ते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दो। और हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम मुल्कों में पेट्रोलियम के नर्ख जो हैं वो IMF या वर्ल्ड बैंक की मर्ज़ी के साथ लगाए जाते हैं। और अगर वो कहेगा कि बिजली के बिलों में टैक्स बढ़ा दो, लोगों की तनख्वाहों में टैक्स बढ़ा दो, सेल्स ड्यूटी बढ़ा दो, स्टैम्प ड्यूटी, जो भी वो चाहेगा वो हुकूमत को करना पड़ेगा। और अब्दुल हफ़ीज़ शेख एक ऐसा मोरा हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते बल्कि IMF के लिए काम करते हैं। और शायद यही वजह है कि PTI की गवर्नमेंट ने जो लोन्स लिए IMF से और जो बड़े बड़े कर्ज़े लिए हैं, ऐसे मौके पर कि जब आपको अरब कंट्री यानी कि सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क भी आपको कर्ज़ देने के लिए तैयार नहीं है, ना आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो IMF से कर्ज़ लिया। और अब अगर उनका जो एक नुमाइंदा है हमारे यहाँ, हम उसको सेनेट की सीट नहीं दिलवा सके, हम उन्हें चेयरमैन सेनेट नहीं बनवा सके, तो अब देखिए कि IMF पाकिस्तान में करता क्या है। और अब ये देखना है कि अब्दुल हफ़ीज़ शेख का फ्यूचर क्या है, क्या वो आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मज़ीद, या अब वहाँ से उनको गायब कर दिया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है, अगर ये बात सही है, अगर ये तज्ज़िया सही है कि अब्दुल हफ़ीज़ शेख IMF के नुमाइंदे हैं, जो कि बिल्कुल एक खुली किताब है, लेकिन अफसोस की बात ये कि क्या आप लोगों ने, यानी कि आप लोग जो पाकिस्तान की आवाम है या पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मेरी तरह के जो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, क्या हमने अपने लीडर्स से कभी पूछा कि जी अब्दुल हफ़ीज़ जैसा बंदा आप लोगों की हुकूमतों में ज़रूरी क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। और ये बड़ी गंभीर और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। बहरहाल PTI गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को सेनेट के इस इलेक्शन में हार के बाद समझ आ गई है कि वो लोग जो जिनके वो कभी पसंदीदा हुआ करते थे, कुछ कुव्वतें उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं और उन्होंने मिलकर अब्दुल हफ़ीज़ शेख को कि जो हार है उसमें एक किरदार प्ले किया है। और असद उमर का भी एक हाथ सुनने में आया कि उनका भी और उनका एक ग्रुप का हाथ है, यानी कि PTI का उनका अपना एक ग्रुप है जो उनके साथी हैं, जो उनके हामी हैं, वो भी अब्दुल हफ़ीज़ शेख को पसंद नहीं करते, उस्मान बुज़दार को लोग पसंद नहीं करते। और काफ़ी लेवल पर और सेनेट के सिलेक्शन में PTI के अंदर की जो खलफशार है या उनके अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुलकर सामने आए हैं। बल्कि सिंध के मैं एक वीडियो देख रही थी परसों की, जिसका कल की वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, जब मैंने वीडियो देखी तो मेरी आंखें खुल गईं कि असेंबली के अंदर भी ऐसा होता है कि आप अपने साथियों को मारते हैं, पकड़ धक्कड़ करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और अब ख़वातीन जो हैं असेंबली की अरकान, वो भी इन तमाम चीज़ों में शामिल रहती हैं। बड़ी अजीब सी बात है। हम तो कहते हैं कि हम पता नहीं, इकॉनमी भी हमारी अगर जो अनडेवलप्ड कंट्री है, लेकिन लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, तालीम दी जा रही है, लोग बहुत उनकी जो मेंटल लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ग्रूमिंग हो रही है लोगों की। लेकिन इस किस्म के हालात और इस किस्म की बातें देखकर अजीब सा जो है वो दिल ख़राब होता है कि पाकिस्तान में आज भी वही हालात हैं। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए कि सब लोग परेशान होंगे कि जी अब्दुल हफीज़ शेख की हार के बाद इमरान खान ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे असम्बली से। आखिर इसकी क्या वजह है और क्यों लोगों को ये शक है कि वो असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे? तो जी उसकी वजह ये है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरे जो मज़ीद वीडियो और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो मज़ीद प्रोग्राम्स हैं उनके लिंक्स भी आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।